क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों और संपूर्ण कलीसिया संत तिमती और संत तीतुस का पर्व मनाती है। संत तिमती के प्रथम पत्र अध्याय 1 पर संख्या 1 में हम पाते हैं कि संत तिमती संत पौलुस के अति प्रिय पुत्र थे। संत तिमती के पिता एक गैर यहूदी थे एवं उनकी माता यहूदी थी, जिसके कारण यहूदी समाज में उन्हें अच्छा दर्जा नहीं दिया गया। उनकी दादी ने सबसे पहले क्रिस्त धर्म को अपनाया, उसके बाद संत तिमती ने प्रभु के प्रेम को स्वीकार किया और प्रभु वचन को वे आगे बांटना चाहते थे। 47 एडी में संत पौलुस के साथ तिमती प्रभु के वचनों को वे बांटते रहे। 13 वर्षों तक संत पौलुस के वे साथ रहे और घूम घूम कर प्रभु के वचनों को उन्होंने प्रचार किया। वे प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपने ही घर में बंदी बना लिया जाता है। वहाँ से छूटकर वह 4000 मील की दूरी तय करते हैं, वो भी पैदल, और उसके बाद वे एफेसस पहुँचते हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि ख्रिस्तियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें कई प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ रही है। उस समय वे ख्रिस्तियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सहानुभूति देते हैं कि प्रभु उन्हें प्रेम करता है। संत पौलुस के अनुसार संत तिमती उम्र में बहुत छोटे थे, इसीलिए वे सबके प्रिय थे। 32 वर्ष की उम्र में उन्हें एफेसस का धर्माध्यक्ष बना दिया जाता है। सुसमाचार रचयिता संत योहन के अनुसार संत तिमती एफेसस की कलीसिया के एक दूत थे, जो प्रभु के वचनों को लोगों तक लाते थे। राजा नरसीजर अगस्तस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि संत तिमती ने अन्य देव देवताओं की उपासना करने से इनकार कर दिया और उन्हें पत्थरों से मार मार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज के दूसरे संत हैं संत तीतुस। वे संत पौलुस के अति प्रिय शिष्य थे। उनकी जन्मभूमि एंटियोक मानी जाती है। उन्हें विशेष रूप से यरूशलेम भेजा गया ताकि वे वहां जाकर प्रभु के चमत्कारों की एक सूची तैयार कर सके, और उन्हें विशेष रूप से 72 शिष्यों में भी गिना जाने लगा। संत पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को पत्र लिखे गए। उन पत्रों को लिखने में और उसे जमाने में संत तीतुस ने संत पौलुस की मदद की। जब संत पौलुस मूसा द्वारा दिए गए नियमों को केवल यहूदी माने या गैर यहूदी भी माने, इस प्रश्न को लेकर जब वे महासभा में जा रहे थे, उस समय संत तीतुस उनके साथ थे। 65 एडी में उन्हें डलमथिया भेजा गया ताकि वे प्रभु के वचनों को वहाँ पर भी सुनाए। वे क्रेट के धर्मादर्श बने और उन्होंने अपना जीवन वहीं बिताया। 94 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। सेंट मार्क बसिलिका ऑफ विंसी में आज भी उनके सर को रखा गया है और आज भी सभी लोग आदरपूर्वक वहाँ जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना को वे प्रभु के पास ले जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत तिमती और संत तीतुस का पर्व मनाते हुए अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें और अपने जीवन को प्रभु के वचनों को के प्रचार के लिए हम समर्पित करें।